हेलो बच्चों, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, यानी द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम अभी तक जो है टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं और टिश्यू के सिस्टम पढ़ चुके हैं। तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स हमने पढ़े थे और अब हम देखेंगे इन पौधों की, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों की आंतरिक संरचना। तो ये देखने के लिए हम देखेंगे इनके ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस की हम स्टडी करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करते हैं तो उसमें अंदर तक का पूरे जो पार्ट हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट रूट यानी द्विबीजपत्री जड़। तो जब आप डाइकॉट देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो है तो इसको हमने ऐसे कट किया, ठीक है। तो यहाँ से जो बीज का पूरा ये देखिए, ये जैसे ये पेन है और यहाँ से हमने इसको ऐसे कट कर दिया, तो बीच का जो सारे पार्ट्स है वो हमको दिखाई देंगे। तो ऐसे इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और यदि हम ऐसे बीच से ऐसे कट करते हैं तो वो वर्टिकल सेक्शन। तो हमको यहाँ पे टीएस स्टडी करना है। तो रूट का जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं सनफ्लावर रूट की, जो कि एक डाइकॉट रूट है। तो सबसे जो आउटरमोस्ट लेयर होती है डाइकॉट रूट में वो होती है इपिडर्मिस। और जब रूट की क्या खासियत होती है कि इसमें रूट हेयर होते हैं आउटर लेयर पे, तो इपिडर्मिस पे होते हैं रूट हेयर्स जो कि वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में बहुत सारी लेयर होती है और बीच बीच में उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो कहलाती है एंडोडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस और इनर वाली एंडोडर्मिस। ये भी सिंगल लेयर है और बैरल शेप्ड की सेल्स इसमें होती है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, वैक्सी मटेरियल होता है सुबेरिन का बना हुआ, और वो क्या बनाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स होती हैं थिक वॉल पेरेन्काइमेटस सेल की, जो कहलाता है पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल। और यहाँ पर होता है उसके बाद जाइलम फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम। तो यहाँ पर देखिए, ये डाइकॉट है तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में जो होगा जाइलम फ्लोएम के अंदर वो कहलाता है पित। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के दो से चार पेचेस से देखने को हमको मिलते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम की रिंग है, ठीक। तो ये देखिए, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं।